तो हेलो गाइस, आ चुके एक और न्यू स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के साथ। अगर इसमें अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो ये एक वीक के अंदर आपको लगभग 10 to 20% का टारगेट दे सकता है ये स्टॉक सिर्फ एक सप्ताह के अंदर। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट में आपको ऑलमोस्ट 50% का टारगेट मिल सकता है 1 से 2 महीना के अंदर स्मॉल इन्वेस्टमेंट में। एंड अगर आप लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपका 100% ग्रो भी कर सकता है, इतना पावरफुल स्टॉक है ये। एंड इसका जो प्राइजेक्शन है ये इतना पावरफुल है। तो चलिए जानते हैं स्टॉक है कौन सा, ठीक है। एंड इसका डीपली एक बार टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि कैसे आपका ये वीकली में एक वीक के अंदर 10% का प्रॉफिट और 20% का प्रॉफिट आपको दे सकता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट में ये 100% रिटर्न कैसे दे सकता है। तो ठीक है, तो चलिए जानते हैं पहले स्टॉक है कौन सा। इसके लिए सबसे पहले यहां पर इसको क्लियर कर लेता हूं। एंड अगर आप देखोगे तो स्टॉक का नाम पूर्वांकरा है, ठीक है। ये आपको डेली चार्ट में आपको खुला हुआ दिख रहा है, मैं यहां पर स्क्रीन पर एक नाम लगा दूंगा इसका क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले अपना टेक्निकल एनालिसिस डीपली स्टडी करते हैं। तो ये तो एक डेली चार्ट है, पर हम लोग एनालिसिस का तरीका क्या होता है गाइज, पहले हम लोग इसका इसको सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर। हाँ, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर मंथली चार्ट पे चलते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं वीकली पे, एंड उसके बाद आते हैं हम लोग डेली पे, जिससे कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी दोनों टाइप के लिए स्टॉक को सही से सेलेक्ट कर पाओ। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं मंथली चार्ट इसका कैसा है। अगर आप मंथली चार्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, एंड यहाँ पर मैं इसको मंथली चार्ट लगा लेता हूँ एक बार, तो देखो अगर मंथली चार्ट देखोगे तो इसका मंथली चार्ट कितना ईयर का ब्रेकआउट गया। ये 2008 में इसके ऊपर नीचे आया था स्टॉक, एंड देखो कितने साल बाद ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट दे रहा है। मतलब कि ये ब्रेकआउट बहुत जेन्युइन है, इतना बड़ा कैंडल के साथ इतना ज़्यादा वॉल्यूम, ये ब्रेकआउट के बाद 50% स्टॉक जा चुका है, समझ रहे हो गाइज। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर अगर लगा के दिखाऊँ आपको, तो ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के बाद गाइज 50% क्रॉस कर चुका है गाइस, देख सकते हो 50% क्रॉस कर चुका है ये स्टॉक। तो इसके अंदर अभी भी स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन बन रहा है, चलिए वो मैं दिखाता हूँ गाइस। अगर पहले तो हम लोग ने मंथली पर ड्रॉ कर लिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है पर मार्केट का है। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस मार्केट के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आएगा मार्केट के पास 2326 के पास आएगा, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर है गाइस। एंड अगर इसका टॉप रेजिस्टेंस देखा जाए मार्केट का तो ऑलमोस्ट इसके अक्रॉस आएगा, ठीक है, जहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है। मतलब अभी 200 का चल रहा है तो ये स्टॉक 400 से 500 भी जा सकता है, मतलब 100% आपको ग्रोथ। तो चलिए वीकली चार्ट पे देख लेते हैं क्या चल रहा है इसका सीन। तो वीकली चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन शो कर रही है हमें इसका टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। पर यहाँ पर वीकली चार्ट पर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, अपसाइड मोमेंटम है इसका बहुत स्पीड में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये मोमेंटम स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका हम डेली चार्ट पे एनालिसिस करते क्या है। पहले हम लोग को डेली चार्ट में देखने के लिए एक समझ लेते हैं इसका क्या पैटर्न क्या है। तो अगर आप पैटर्न की बात करोगे तो देख रहे हो स्टॉक एक बार ऊपर चढ़ता है, थोड़ा देर के लिए रुकता है, एंड यहाँ से ब्रेकआउट देता है, एंड अगेन रुकता है, फिर यहाँ से एक बार ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर रुका कुछ टाइम के लिए, नीचे भी आया, फिर अगेन ब्रेकआउट, एंड अगेन यहाँ पर कुछ टाइम से रुका हुआ है। एंड यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता है तो आपको पता है होता है कि कैंडल का क्लोजिंग कहाँ है। ये रेड कैंडल को देख रहे गाइज, ये रेड कैंडल क्लोज कहाँ होता है, नीचे साइड में, एंड कैंडल यहाँ क्लोज हुआ है, बट जस्ट अगला कैंडल कहाँ खुला है, यहाँ पर। मतलब यहाँ पर आपका 10% का गैप अप है, मैंने जैसे ही देखा तो ये 10% गैप अप खुला है, वैसे ही मैंने इस चीज़ को यहाँ पर बाय कर लिया क्योंकि मेरे को पता है ये स्टॉक बहुत बुलिश होने वाला है। अभी तो आपको ये दिखा रहा है नीचे आ रहा है, इतना बड़ा सेल ऑफ हुआ है, बट नहीं गाइस, ये बहुत प्राइस एक्शन इसका जो बहुत बुलिश है, क्योंकि ये जो मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया है ना, इस चीज़ को ये ब्रेक नहीं करने वाला है, यहाँ से पुल बैक लेके अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम मिलने वाला है। तो चलिए इसमें हम लोग प्राइस एक्शन ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन ड्रॉ करोगे इसका सपोर्ट लेके और एक ऐसे, ठीक है, एक चैनल पैटर्न टाइप का बन रहा है, एंड यहाँ पर तो आपको यहाँ से क्लियरली एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्राइस एक्शन गाइस देखो, यहाँ पर भी मार्केट ने बनाया था सेम, यहाँ से आया, यहाँ रुका, एंड यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर साइड, फिर यहाँ से रुका प्राइस, ठीक है, एंड यहाँ से फिर से फ्लैग पैटर्न बना के ब्रेकआउट, एंड यहाँ पर अगेन सेम चीज़ हो रहा है। तो अगेन सेम चीज़ एक्सपेक्टेड भी है, और देख सकते हो हमेशा ब्रेकआउट पे ये स्टॉक कितना परसेंट गया है, अगर यहाँ पर देखोगे आप तो 13% एक दिन के अंदर गए, सोचो एक दिन के 13%, उससे ज़्यादा जा चुका है 18%, इतना पावरफुल है ये स्टॉक। तो इसको हम लोग मिस कैसे कर सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। चलो इसका रिस्क रिवॉर्ड बात करते हैं, मैंने यहाँ पर खरीदा है
तो मैं 3-5% से ज़्यादा का रिस्क कभी भी नहीं लेता हूँ, ना आपको लेने के लिए सजेस्ट करूँगा। तो इसका स्टॉप लॉस जो होता है जस्ट इसका रजिस्टर, ये जो सपोर्ट है उसके पास लगेगा, एंड आप यहाँ से 10-20% का आराम से टारगेट ले सकते हो। आपको कुछ दिनों के अंदर ये मिल जाएगा, देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लाइव मार्केट में आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो एनालिसिस का हमें बता देना, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छा लगा हो तो, एंड अपना शेयर भी कर देना।